जन्मैथुनादिगृहमेदि सुखं हितुच्छं कुण्डयनेन करयोरिव दुःखदुःखं तृप्यन्ते नेह कृपणादुदौ बहुदुःखभाजः कुण्डूतीवत्मनुषीयं विषहेतधीरः जन्मैथुनादिगृहमेदि सुखं हितुच्छं कुण्डयनेन करयोरिव दुःखदुःखं तृप्यन्ते नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कुण्डयतीवत् मनसीयं विषहेत धीरः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए भगवान बद्ध जीवों का जो स्वतंत्र भाव है इसमें रुकावट नहीं डालते हैं अर्थात बाधा नहीं देते हैं। गौरी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं भगवान कभी बद्ध जीवों का स्वतंत्रता भाव पर रुकावट नहीं डालते बाधा नहीं देते। बहुत सारे आदमी ऐसा भी प्रश्न करते हैं क्यों भगवान तो सराट पुरुष है भगवान तो बद्ध जीवों को परिवर्तन करके अपना भक्ति में लगा सकता है क्यों नहीं लगाते। इसका उत्तर है प्रभुपाद दे रहे हैं भगवान कभी बद्ध जीवों का स्वतंत्र भाव में रुकावट नहीं डालते हैं क्योंकि अगर रुकावट डालते तो ये जो गेम है ये जो खेला चल रहा है इसमें एक आर्टिफिशियलिटी आ जाएगा इसमें ऊपर से प्रेशर अभी मजा नहीं आएगा। भगवान चाहता है जीव स्वयं समझे भगवान चाहता है जीव स्वयं समझे कि मैं ही एकमात्र विषय विग्रह हूं मेरा चरण में ही एकमात्र शरण लेना चाहिए। ये बद्ध जीव अपने आप समझे जोर जबरदस्ती थप्पड़ लगा के ये इसमें मजा नहीं है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करना उचित नहीं है। ऐसे तो कई बार ये सब चर्चा हो चुका है कि जीवों का स्वरूप क्या है जीवों का वास्तविक स्वरूप को विचार किया जाए तो देखा जाएगा जीवों का अंदर में जीव चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु होने के नाते चेतन का एक फ्री विल भी रहता है और जीव चिन्मय जीव ज्ञानमय जीव प्रकाशमय जीव आनंदमय क्या क्या बोला जीव चिन्मय जीव प्रकाशमय जीव आनंदमय हैं। ये सारे गुण जीवों का अंदर में रहता है जीव चिन्मय ज्ञानमय प्रकाशमय आनंदमय। तो चिन्मय माने चित वस्तु का कोई विनाश नहीं होते तो फिर अनंत काल से जीवों का ये जो संसार चक्र में भ्रमण करना ये तो माया का चक्कर में चल ही रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि अनंत काल से कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख
कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव मायातरे देह संसार आदि दुख अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तरिवारे न देखी उपाय इ विषय हला हले दिवानी सिहिया जले मनु कबु सुख नहीं पाए। अनादि कर्म फले परिभवार नवजले तरिवारे न देखी उपाय ए विषय हला हले दिवानिशिया जले मन कबू सुख नहीं पायो। अनादि कर्म फले परिभवार नव जले तरिवारे न देखी उपायो। अनादि कर्म फले अनादि काल से जीवों का ये संसार चक्रों में भ्रमण करना ये चल ही रहा है, इसका कोई खत्म का कोई क्वेश्चन नहीं है, चल ही रहा है। लेकिन जीवों का ये जो अनादि काल से कर्म फल में भ्रमण करना यद्यपि अनादिकाल से चल रहा है, दैट डजंट मीन कैन नेवर कम टू एन एंड, इसका मतलब ये नहीं कभी भी अंत नहीं होने वाला। कहने का मतलब है ये जो अनंत काल से चल रहा है बंधन कर्म बंधन, लेकिन ये अंत हो सकता है। शाह कर्मफल अनादि होने से भी कर्मफल अनादि होने से भी शांत है अतः अंतयुक्त है, इट कैन कम टू एन एंड। इसीलिए बताए चैतन्य चेतामित में ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रहता बीच, यही तो शांत और क्या। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति रहता बीच। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव विभु चैतन्य परमेश्वर का अंश है, अनु अंश बहुत छोटा से, इसलिए भगवान गीता में कह दिया कि ममैव अंश जीवो लोक के जीव हो तो सनातन, मेरा ही अंश जीव लोक में, जो जीव जितना सारे जीव है मेरा ही अंश है। अंश का भी व्याख्या पहले भी किया है, ये अंश मतलब भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं किया है, क्योंकि भगवान का चरण का एक धूलि भी पूर्ण वस्तु है। काजी ये जो भगवान का अंश बोलने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करके बनाए, ऐसा नहीं। जीवों को भगवान का अंश माना गया, इसलिए भगवान का जो ततस्था शक्ति है जीव शक्ति, ये ततस्था शक्ति का ही अंश भगवान, और भगवान का शक्ति अभिन्न है। शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद, भगवान और भगवान का शक्ति अभिन्न है। इसीलिए अगर ऐसा कहा गया कि ममैव अंश जीवोलु के जीव भूतो सनातन, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा अंश बनते भगवान का शक्ति का अंश है, भगवान का जो ततस्था शक्ति है इसका अंश है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इटर्नली प्रेजेंट नित्यकाल विराजमान है, और जीवों का अंदर में जो स्वतंत्र भाव है चेतन वस्तु का फ्री व्हील, चेतन वस्तु का फ्री व्हील तो रहेगा ही रहेगा। अगर किसी वस्तु का फ्री व्हील नहीं है तो इसका मतलब है चेतन नहीं है। चेतन का साथ जुड़ा हुआ सब कुछ अपना फ्री व्हील जरूर रहेगा।
तो फिर जीव विभु चैतन्य परमेश्वर का अनुअंश समंदर में, जैसे पानी का धर्म है, समुद्र में जैसा जल का धर्म है, एक बूंद पानी में भी वही धर्म है। समुद्र में जैसा जल का धर्म है पानी का, एक बूंद पानी में भी जल का वही धर्म है। उसी जल धर्म अनुपरिमाण में है, बड़ा क्षुद्र, बड़ा क्षुद्राति क्षुद्र अंश। विभु चैतन्य भगवान परम स्वतंत्र, विभु चैतन्य भगवान परम स्वतंत्र, अनुचित जीवों में भी उसी रेशियो में, अनुपात में स्वतंत्रता है। भगवान परम स्वतंत्र, भगवान विभु चैतन्य, भगवान सराल वस्तु, तो फिर जीव जो है, जो भगवान से आए हुए हैं, ये जीवों का अंदर में भी स्वतंत्रता रहेगा ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। क्योंकि जीव कोई शिष्ट वस्तु नहीं है। ध्यान दे, जीवस आर नेवर मैन्युफैक्चर्ड बाय एनीबॉडी, जीवस आर इटर्नली प्रेजेंट। जीव कोई सृष्ट वस्तु नहीं, किसी ने सृष्टि किया ऐसा नहीं, जीव सृष्ट वस्तु नहीं है, जीव नित्य वस्तु। जीव जड़ वस्तु नहीं है, जीव चेतन वस्तु है। जीवों का स्वतंत्रता किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, जीवों का स्वतंत्र भाव किसी का प्रदत्त नहीं है, इट्सेल्फ दे पहले से ही है। चेतन जीवों का सत्ता में स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में विद्यमान है, ये तो स्वाभाविक है। जीव अगर ये स्वतंत्रता का मिसयूज किया, अपव्यवहार किया, तो फिर कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, और क्या। जीव अपना स्वतंत्रता का अपव्यवहार मिसयूज करे करके कष्ट मिलता है। भगवान कभी किसी का स्वतंत्र भाव में बाधा नहीं, रुकावट नहीं डालते। जीव भगवान किसी का स्वतंत्रता को ऊपर हस्तक्षेप, भगवान कभी किसी का स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करते, करना नहीं चाहते। भगवान कभी चेतन वस्तु को गला घोंट के मारना नहीं चाहते। भगवान चेतन धर्म का हंतारक, खून करने वाले नहीं है। भगवान दया की सागर है, इसीलिए चेतन जीव को चेतन वृत्ति का सद्व्यवहार और असत व्यवहार का बारे में शास्त्रों में बताया, और संत महात्माओं का मुखारविंद से जो वाणी निकालता है, इसमें भी भगवान ही संत महात्मा का रूप में ये चेतन जीव चेतन वृत्ति का सद्व्यवहार कैसे किया जाए और चेतन वृत्ति का औसत व्यवहार कैसे किया जाए, ये सब बातें खुल्ला में खुल्ला शास्त्रों में संत महात्मा का प्रवचन के द्वारा भगवान जानने का व्यवस्था कर दिया। तो जो जीवात्मा ये सद उपदेश व शास्त्रों का उपदेश का शोभन करके इसका सदुपयोग करे तो ठीक है, वो तो मालामाल हो जाएगा बाद में, अगर प्रेम भक्ति मिले तो। और शास्त्रों का प्रवचन
शास्त्रों का कहना, संत महात्मा का वाणी, ये सब सुनने का बावजूद अगर किसी का अंदर में दुर्योधन का मापिक स्वतंत्र भाव को मिसयूज करने का जो जो इच्छा है वो अगर रहे तो अमंगल हो, अगर इसका सद्व्यवहार करे तो मंगल होगा ही होगा। जिसका अंदर में अन्नाभिलाष रहे, कामना वासना रहे, उसका जिंदगी में शांति स्वस्ति असंभव है। जिसके जिंदगी में कामना वासना है उसका अंदर में काम है, काम लाभ पूजा सब कुछ है, उसका जलन कभी समाप्त नहीं होने वाला। अगर संत महात्मा के साथ देखा हो जाए, जैसे रामानंद संवाद का अंदर में आता है, भगवान कहते हैं ये जीव मूर्ख है, यह तो स्वरूप में ज्ञानी है लेकिन माया के द्वारा इस हालत में पहुंच गया कि ये पागल, ये मूर्ख है। इसलिए चैतन्य चैतन्य में बताया गया, कृष्ण भूली सही जी अनादि भय, अतएव माता तय सुन। जिसका अंदर में कामना वासना है वो स्वतंत्र तो जरूर होगा। कामना वासना जिसका अंदर में है उसका अंदर में बेचैनी जरूर होगा, जरूर होगी बेचैनी, जरूर होगी, इसका बाहर नहीं जा सकता, काम है ना। जितना भी बद्ध जीवों को समझाने का कोशिश करो, भक्तिमठ कह रहे हैं जितना भी कोशिश करो, उसका संस्कार बहुत खराब है इसीलिए कुछ सुनेगा नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं है। भोग का प्रवृत्ति जीवों के अंदर में कहां से आ गया, माया के द्वारा। ऐसे तो लिखा हुआ है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, ऐसा नहीं बोला। भक्ति बहुत दूर की बात है, ये तो अनमोल संपत्ति गुरु वैष्णव के द्वारा ही हमारे हृदय में आ सकता है, उसका पहले नहीं। कामना वासना लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो है ये तो यही तो बंधन, इसका नाम ही तो बंधन है और क्या। जन्म इथो नाद गृह में सुखम हितुच्छम कौंडय नैन करीव दुक्ष दुक्षम त्रिपंति नेह कृपना बहु दुक्ष भाज कौंड्युतिबत मनसीयम विषहेत धीर। माने क्या है, आज तक कभी प्रमाण नहीं कर सका कोई व्यक्ति, आज तक कोई भी प्रमाण नहीं कर सका कि भोगों के द्वारा भोग का निवृत्ति होता है, ऐसा कोई नहीं प्रमाण कर सका आज तक। आज तक कोई प्रमाण नहीं कर सका कि भोग के द्वारा भोग का प्रवृत्ति खत्म होता है, कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। क्योंकि आग में अगर घृता होती दिया जाए, इनफ्लेबल ऑब्जेक्ट,
तो उसका आंख तो बढ़ेगा, बुझेगा थोड़ी, बुझेगा थोड़ी ना, तो बढ़ते रहेगा, ये बुझने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक उसी मुताबिक काम भोग के द्वारा, काम भोग के द्वारा काम का वृद्धि होते रहता है, काम बढ़ते रहता है। हविषा कृष्णवत्मयो भूयो एवाभिवर्धते न यातु कामः कामानं उपभोगेन सम्मति न यातु कामः कामानं उपभोगेन सम्मति हविषा कृष्णवत्मयो भूयो एवाभिवर्धते। इसलिए प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के सामने अपना आरजी पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु काम के द्वारा किसी का काम आज तक निवृत्ति अवस्था में नहीं पहुंच सका, भला कैसे पहुंचे। एक काम को खुजली का साथ तुलना किया गया, एक काम को खुजली का साथ तुलना किया गया। मान लो कि आपका हाथ में हाथ का जो फिंगर है, नाखून है, सब कुछ है ना, ये हाथों प्लम हाथों में आपका खुजली पैदा हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया, बिल्कुल इसमें नाखून आदि कुछ स्पर्श नहीं करना, धूला मैल जाने नहीं देना, उसमें हाथ में ही लगाना, हमने दवा दे दिया, दवा लगाओ हाथ का जो प्लम है, हाथ ये जो हाथ, लेकिन ये जो मरीज है, बीमारी है, ये डॉक्टर का बात मानता नहीं, डॉक्टर का मानता नहीं, हाथ में खुजली हो गया, वो जोर से और जो उस नखून से एकदम इसमें क्या हुआ, दवा कैसे काम करेगा, ये तो जो था उसका दिगुना हो गया। खांज और खुजली ऐसा भयंकर है, जिसका जिंदगी में दोस्ती बनाने के लिए आ गया उसको छोड़ता नहीं। खुजली जितना घिसो उतने आनंद लगता है, इसको कामना वासना का साथ तुलना किया गया। किसका अंदर में काम है, जौन वासना है और दूसरा काम है, इसका साथ ये उदाहरण दिया गया। जैसे खुजली जितना भी खुजलो उसमें समाधान नहीं है, ऐसे ही इसको जौन जीवन का साथ, कामना वासना का साथ, दुर्गंध दूषित काम भोग का साथ तुलना किया गया, क्योंकि इसमें कोई समाधान कभी भी निकालने वाला नहीं है। जैसे एक मिसाल उदाहरण दे दे, पुरुरोबा जैसा इतना बड़ा राजा है जो देवता लोगों को कितना सहायता किया, इतना पावरफुल है, लेकिन होनहार का खेल है, ये तो फंस गया उर्वशी का चक्कर में। उर्वशी चाहता है कि
इसको प्राप्त करे, अपना काम भोग करे, और ये भी चाहता है कि उर्वशी को प्राप्त करे। कौन किसको भोगता है? उर्वशी पुरुरुवा को भोगेगा कि पुरुरुवा उर्वशी को भोग? सब माया है, भोगने वाला तो कुछ है नहीं। आत्मा आत्मा को क्या भोगेगा? वो तो ये भी चिन्ह में। लेकिन ये विपरीत बुद्धि माया के द्वारा ऐसा हालत पैदा हो गया जो वो कुछ समझता नहीं है। वो सोचता है कि शरीर एक भोगने का चीज है, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, यही इसका फॉर्मूला है। ये जौन व्याधि, जौन रोग, जौन बीमारी, कामना वासना, तरह तरह का कामनाएं, ये जीवों को पागल कुत्ता जैसा भगा के ले जा रहा है नरक, नरक का ओर। उर्वशी का साथ बहुत समय बिताया, इतना बड़ा महान वीर पुरुरवा, लेकिन आज तक भी उसका भोगने में कोई तृप्त सेटिस्फैक्शन सैचुरेशन पॉइंट आ नहीं पहुंची। भोगते रह गए दिन के दिन, रात के रात, कोई ख्याल नहीं है कि क्या हो रहा है। दिन पे दिन, रात के रात, कोई ख्याल भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ ख्याल नहीं। उर्वशी का साथ इतना मस्त, आनंद में मस्त है कि कुछ ख्याल ही नहीं। और बाद में इसको रास्ता का भिखारी बना दिया, अंतिम में इसको रास्ता का भिखारी बना दिया। आई बात समझ में? भक्तिमय ठाकुर जी ने लिखा है, शास्त्रों में भी है, रमणी जन संग सुखं च सके चरमे भयदम पुरुषार्थ परम तेजो ग्रम कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानुनो रंजी विदुम। क्या बताया, कितना सुंदर, देखो। रमणी जन संग सुखं च सके चरमे भयदम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ हरम। आज मजा लगता है, जदग्रे अमृतपमम परिणाम विषमेव, बड़ा आनंद ले लो, बड़ा आनंद ले लो, बड़ा बुद्धिमान है, ले लो आनंद। अब बाद में नरक में जाओगे, अब ले लो आनंद। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, गृह में भी व्यक्ति गृहस्थी में जो है, एलो का तो विषय में इतना उलझे हुए हैं, विषयों में इतना उलझे हुए हैं कि इसको याद नहीं रहता है, पारमार्थिक ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। सो ये लोग सोचते रहता है कि दिस काइंड ऑफ एंजॉयमेंट है डेवलपिंग फ्रॉम स्कैबीज, खुजली से उत्पन्न हुआ जो स्थिति है, इसका ऊपर से और उसको नाखून से उसको ज्यादा उसको घिसो, चुलकानी जिसको बोल, ये इसको ही वो लोग मानता है कि सबसे बढ़िया सुख है। कामिनी कांचन लाभ पूज, यही मजा है, वाह बहुत आनंद है। सो ये जो खुजली है, इसी को ही वो लोग सबसे बढ़िया आनंद मानता है, सुख मानता है। लेकिन सच पूछो तो ये दुखों की
सोर्स है, उत्स है, क्योंकि उससे दुख आते रहेगा। अभी आनंद ले लो लेकिन वो दुख आते रहेगा, वो दुख तो आते रहेगा, उसको समाधान कुछ नहीं है। दुखों का ही उत्स है, सोर्स है। जो लोग कम से कम ब्राह्मणत्व लाभ किया है, मतलब समो दमो शौच सरलता आर्जव जो सब सब गुण है, सबसे बड़ा बढ़िया गुण है सिंटम है ब्राह्मणों में, मैं ब्रह्मों को जो जानता है, ब्रह्मों में जो विचरण करता है, ब्रह्मों का सेवा करता है भगवान का, इसका नाम है ब्रह्म। समो दमो शौचो सरलता आर्जवो ये सब तो है ही है। तो कहने का मतलब है ब्राह्मणों का विपरीत धर्म, ब्राह्मण कौन है? उपनिषद में आता है ब्रह्मो जनाति इस ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानते हैं ब्राह्मण। आई बात समझ में? आज जो ब्रह्म को जाने बिना जगत से चले जाते हैं ये कृपण है। ब्रह्म को समझे बिना, अनुभव किए बिना, ब्रह्म को जाने बिना, अनुभव किए बिना जो जगत से चले जाते हैं ये कृपण है, कृपण है, कृपण। तो ब्राह्मणोत्व का विपरीत धर्म है कृपण धर्म। कृपण कौन है? दोज हु कैन नॉट सब्सक्राइब भगवान, भगवान का भजन में जो कुछ नहीं करता। और पुनः पुनः इंद्रियो ग्राम का जो सुख है, पुनः पुनः इंद्रियो सुख जिसका बारे में भगवान गीता में बता दिया, जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जनय एवते आद्यांत बंतु गंतुयो नौतेषु रमते बुधा। भगवान गीता में अर्जुन को बताया, अर्जुन जे ही संस्पर्श जा भोगा, स्पर्श सुख आनंद लेना, ये जो है, ये जो सब है इसका बारे में बताया, जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जन जीवते, सेंस ग्रेटिफिकेशन में आनंद है, जरूर है, लेकिन ये आनंद आपको दुखों की सागर में डालने वाला, आपको दुखों की सागर में डालने वाला है। इसलिए बताया जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख जन एवते आद्यंत बंत गंतियो नौतेषु रमते बुधा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी जड़ जगत का आनंद में अपना जिंदगी को बर्बादी का ओर नहीं ले जाना चाहता है। क्योंकि इंद्रियो भोग, इंद्रियां, जो इंद्रियों के द्वारा जो भोग है, इसमें कभी भी आज तक कभी भी कोई भी तृप्त नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया। और जो धीर व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, धीर है, धीर मतलब जिसका बहिर्मुख वृत्ति समाप्त हो गया, इसका धीर मत है। धीर मतलब
जिसका अंदर में कामना वासना का उत्पटान, ये रेस्टलेसनेस, चंचल भाव बिल्कुल नहीं है, ये धीर है। तो बोलने जाओ तो व्याख्या, इसका क्या व्याख्या निकालता है, कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांतो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, यही माने। सो धीर व्यक्ति जो विचारवान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, वो कभी भी जड़ जगत का भोगों का ओर नहीं दौड़ता है, बर्बादी का ओर अपना जिंदगी को नहीं ले जाना चाहता है। भगवत हमारा श्री ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद विहार है, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद विहार है, इस आनंद विहार चिन्मय है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल है, किसी को आइडिया ही नहीं क्या चिन्मय है, क्या मैटर है, एंटी मैटर कुछ नहीं जानता। भगवान का जो आनंदमय विहार है, एक विहार को भी जड़ जगत का आदमी गंदा सोचता है, क्योंकि गंदगी तो है ही हृदय में, बड़ा पड़ा गंदगी भड़ा पड़ा है हृदय में, तो इसलिए गंदगी सोचता है। इसीलिए पिछले कई सप्ताहों से ये दो तीन श्लोक का ऊपर बड़ा चर्चा करने का चेष्टा भाई, वो श्लोक क्या है, ये श्लोक है आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर जो एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम। इसका बारे में कई सालों से, कई सप्ताहों से, दो एक सप्ताहों से, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। इसके बाद हमने चर्चा किया पिछले सप्ताह, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और आज दूसरा श्लोक चर्चा करने जा रहा है, उसका पहले हमने ये भी व्याख्या की पिछले सप्ताह, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमले अपश्यत् पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम्। ये व्यासदेव के बाद व्यासदेव जी का बारे में, ये व्यासदेव जी का बारे में बताया, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीत अमले, भक्ति योग के द्वारा विभावित हृदय होकर एकदम मजगूल डुबकी लगाए व्यासदेव जी, उसके बाद भक्ति चक्षु देकर क्या देखा, क्या देखा, अपश्यत् पुरुषम पूर्णम, भगवान को देखा है, और मायांच तदपाश्रयम, इनके पीछे मायादेवी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर विराजमान है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन
संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण सर्वम गोविंदमादि पुरुषोत्तम। जड़ जगत का काम और प्रेम कुछ, जड़ जगत का जो काम और प्रेम है, कौन काम है कौन प्रेम है समझना मुश्किल है, काम ही है। जड़ जगत का जो प्रेम है ये काम ही है और कुछ नहीं। जड़ जगत का जो ये जो काम है, जड़ जगत का जो ये प्रेम है, एक दूसरे का तुम ही अमार अमी तुम्हार, हम तुम्हारे तुम हमारे हो, ये सब काम है कुछ नहीं है। ये सब काम है, देखने में प्रेम जैसा लगता है। प्रभुपाद जी ने यहां तक भी कह दिया, जड़ जगत का एस पर द मेटेरियल स्टैंडर्ड द लव अफेयर बिटवीन नल दमयंती, लव अफेयर बिटवीन लैला मजनू, लव अफेयर बिटवीन डेला जिम डेला, ऑल मेटेरियल लगता है कि अनोखा प्रेम है, लगता है कि ये अनोखा प्रेम है, लेकिन सारे सरासर गलत है। पोपा ने कह दिया, अकॉर्डिंग टू मेटेरियल स्टैंडर्ड इट सीम्स टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल लव अफेयर, लेकिन ये लाभ प्रेम ये काम है, प्रेम नहीं है। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में आता है, अपना कामना वासना का पूर्ति का जो चेष्टा है इसका नाम काम। आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा, आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा धरे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रतिबांछा तारे बोले कृष्णेंद्रिय प्रतिबांछा इसका नाम है प्रेम। कृष्णेंद्रिय प्रतिबांछा इसका नाम है प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा इसका नाम है काम। ये पार्थक्य है और क्या। आत्मेंद्रिय प्रतिबांछा धरे काम नाम, कृष्णेंद्रिय प्रतिबांछा इसका नाम है प्रेम। ये दोनों में फर्क है। भक्त लोग प्रेम के द्वारा विभावित, भक्त लोग प्रेम की द्वारा विभावित हृदय में भगवान का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट्य सब दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्वम गोविंदमादि पुरुषोत्तम। ये सब चर्चा हो चुका है और 39 श्लोकों में यहां बताया गया, श्लोकों में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन ननावतारम अकरोत् भवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पमानजो गोविंद मान पुरुषम तमाम भजन। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन ननावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमप्मानजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन ननावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमप्मानजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो पुरुष गोविंद, यो परम पुरुष भगवान गोविंद सांसो कलादि
नियम के द्वारा राम आदि मूर्ति लेकर पधारते हैं जगत में नानावतारम अकरत भुवनेश, किंतु ये होने का बावजूद ये स्वयं कृष्ण रूप प्रकट हुए थे कृष्ण रूप में। इसी आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। रामादि मूर्ति शुभ कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरत भुवनेश, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम अपमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। ध्यान दे इस बात पर, साक्षात गोविंद परात्पर अखिलेश्वर वृंदावन चंदो यशोदानंदन नंदनंदन कृष्ण, जिसका बारे में बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान का वृंदावन का अंदर में विराजमान जो स्वरूप है ये नंदनंदन कृष्ण यशोदानंदन, इनके साथ मूल संकर्षण बलदाव जी महाराज रहते हैं। बलदाव जी महाराज और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही भाव का फर्क है, ये शिव भगवान ये सेवक भगवान। फिर भी बलदाव जी महाराज और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वर्ण मात्रो देखी विपरीत, देखने में एक जैसा है। और पोपा जी ने बताए प्रथम प्रकाश विग्रह बलदाव जी महाराज कृष्णों का प्रथम प्रकाश विग्रह और कृष्ण के साथ अभिन्न है। प्रभुपाद जी ने बताया विचार के अनुसार ये शिव भगवान कृष्ण का सेवक है, फिर भी एकमात्र बलदाव जी महाराज के लिए थोड़ा बहुत सिद्धांत तो ऐसा है कि यद्यपि बलदाव जी महाराज सेवक विग्रह फिर भी सेव्य हो आयु समय में। एकमात्र तो बलदाव जी महाराज के बारे में बताया गया यद्यपि बलदाव जी महाराज सेवक विग्रह फिर भी सेव्य विग्रह, अर्थात बलदाव जी महाराज और कृष्ण अभिन्न, और जो मयूर का पुच्छ कृष्ण लगाते हैं बलदाव भी लगाते हैं। आयु समय में कृष्ण रास लीला रचाते हैं, बदलाव भी करते हैं, और जितने सारे नाग कन्या आदि है सब बलदाव जी महाराज का आनंदमय संग आशा करती है। ओहिराज कन्या, इसलिए बलदाव जी महाराज सेवक तत्व होने का बावजूद वो सेव्य तत्व है। The only for Balaji Maharaj, fast expansion of Krishna. Krishna का प्रथम प्रकाश विग्रह कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन ये मूल संकर्षण से एक गोलोक धाम का चारों ओर में चारों गार्ड है, चतुर्भुह, वहाँ वासुदेव संकर्षण पद्युन्न अनिरुद्ध, ये जो मूल संकर्षण से आए हुए चारों ओर चारों कॉर्नर में विराजमान है, वहाँ का संकर्षण से फिर नीचे वैकुंठ जगत में भी एक स्क्वायर, वहाँ भी संकर्षण वासुदेव संकर्षण पद्युन्न अनुरूप। ये जो यहाँ जो संकर्षण है
वैकुंठ जगत में यहाँ से कारणोर्नव साई महाविष्णु ये आए हुए हैं। और जो कारणोर्नव साई अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत अनगिनत ब्रह्मांडों का मालिक है। कारणोर्नव साई विष्णु से भगवान का गर्भोदय गोसाई विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया, अनंत ब्रह्मांड का हर ब्रह्मांड, इसका नाम है गर्भोदय गोसाई। इसका बाद कर्णोर्णव गोसाई, गर्भोदय गोसाई, इसका बाद क्षीरोदय गोसाई और व्यष्टि जीवों का अंतर्यामी, जितना सारे जीव है उसका अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो अंशो कला ये सब करके भगवान का सारे अवतार निकालता है और सांशो विभिन्न अंशो विचार है। सांशो का अंदर में अवतार रूप में राम आदि अवतार वैकुंठ से एवं कृष्ण गोलोक वैजुधाम से स्वयं प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण अभिन्न श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी वही स्वयं रूपे ही प्रकटता स्वीकार करते हैं, लेकिन इस ओपनली नहीं है, ये सीक्रेटली इसका निचोड़, इसका सिग्निफिकेंट है, इनर सिग्निफिकेंट दिस, लेकिन खुलम खुला लिखा नहीं है। जैसे भागवत जी महापर्व में है ना, गौरांग का बारे में बहुत सारे इंडिकेशन है और उपनिषद में वेदों में भी प्रमाण है। और भागवत जी महापर्व में कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग बांधवस्त पार्षदम ये जो जो है सब, तो भगवान से अंशो कला कला ये सब जो है ये आदि पुरुष भगवान से ही आए हुए हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् ननावतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सांशो अवतार रूप में रामादि अवतार वैकुंठ से और कृष्ण गोलोक से ब्रजधाम का साथ स्वयं प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं। परम पुरुष कृष्णाभिन्न, परम पुरुष कृष्णाभिन्न कृष्ण चैतन्य भी स्वयं रूप प्रकट किया था। विभिन्न अंशों में जीव आता है, ये सब बहुत सारे विचार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् ननावतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मतलब ओरिजिनली गोविंद ही है और कुछ नहीं। जस्यो प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष पशुदादि विभूति विभिन्नम विभूति भिन्न भिन्नम तत्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। जस्यो प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष पशुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। इसका माने के जस्यो प्रभावतो, जस्यो प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष पशुदादि विभूति भिन्नम,
तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजन। जिनके प्रभा से, जिनके अंग प्रभा से उत्पत्ति निबंधन उपनिषद के द्वारा घोषित जो निर्विशेष ब्रह्म कोटि ब्रह्मांडगत वसुदादि विभूति से पृथक होकर भी निष्कल अनंत अशेष तत्व रूप में प्रतीयमान होते हैं, विराजमान होते हैं। वही आदि पुरुष को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम जत ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं माया के द्वारा प्रसूत, माया प्रसूत ब्रह्मांडो निचाय से गोविंद का एक पाद विभूति है। आई बात समझ में? ये जो अनंत जड़ो ब्रह्मांड है ये भगवान का मात्र एक पाद विभूति है और त्रिपाद ऊपर में है। आप सोचो भगवान का वैभव। माया प्रसूत ब्रह्मांड निचाय गोविंदो का एक पाद विभूति है। तदुत्तर मैंने इसका बात कही। तदुत्तर तत्व रूप मैंने इसका बात का जो स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म भी नित्यमान विराजमान सविशेष ब्रह्म भी है। तो माया प्रसूत ब्रह्मांड निचाय गोविंद का एक पाद विभूति तद उत्तर तत्व रूपे निर्विशेष ब्रह्म आर्य निर्विशेष गोविंद का तहा गोविंद का त्रिपाद विभूति रूप चित जगत का बहिर् पुकार स्थित तेज विशेष। वैकुंठ जगत में घुसने का पहले जे एक ब्रह्म ज्योति चारों ओर से घेर के रखे हैं यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम जिनके शरीर का आवास है गोविंद का त्रिपाद विभूति रूप चित जगत का बहिर्प्रकोष्ठ स्थितो तेज विशेष तहा निष्कल अर्थात कला रहित। सो एकोमेवा अद्वितीयम रूप में प्रतीतो होता है तहा अनंत एवं अविशिष्ट तत्व। जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि 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 हैं जस्यो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम यद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसके बाद पौपात कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है इम्पर्सनल ब्रह्म एफाइजेंस ये भगवान का ही अंग कांति है नित्य विराजमान है ये भी नित्य है ब्रह्म और भगवान का धाम नाम ये तो नित्य है ही है। इसके बाद बताया गया 41 नंबर श्लोक पे
माया ही यश जगदंड सता निशूते त्रैगुण्य तत् विषय वेद विताय माना सत्यावलम सत्यावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्यम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भज माया ही जशो जगदंड सता निशूते त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय माना सत्यावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्यम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामी। माने क्या है? माया ही, माया निश्चित परिमाण में जो माया, माया ही जस्यो कस्यो कृष्णस्यो आदि पुरुषो गोविंदस्यो जगदंड शतानि शूते शूते प्रसूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान सत्यावलंबी परसत्त विशुद्ध सत्यम गोविंदमादि पुरुषम तमाम शतो रजो तमो त्रैगुण्य रूपी एवं जरो ब्रह्मांड संबंधी वेदज्ञान विस्तारिणी माया परा एवं अपरा विद्या में है। परा विद्या अलग है, अपरा विद्या भी वेद में यद्यपि भगवान से ही वेद है फिर भी सामग्री ओवरऑल सब कोई को शिक्षा देने के लिए वेद में तरह तरह का जैसा जिसका टेस्ट है इसी का मुताबिक बद, लेकिन अंतम में भगवान को ही दिखाया। वेदों का मकसद है वेदों वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण रे, महाप्रभु जी ने बताया वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण, कहे कृष्ण रे वेदों का प्रतिज्ञा है। और गीता में तो ऐसा लिखा ही है, क्या लिखा है गीता में तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है सर्ववेदश्च रहमेव वेद्य वेदश्च सर्वै रहमेव वेद्य वेदश्च सर्वै रहमेव वेद्य वेदों के। तो फिर माया ही यश जगदंड सता निशूते त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय माना सत्यावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्यम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भज। वेद भगवान से ही आया हुआ फिर भी वेदों का मकसद बहुत गहरा है, तरह तरह का विचारवान व्यक्ति है जिसका टेस्ट अलग है, जिसका संस्कार अलग है, इसलिए वेदों में बहुत सारे चीज शिक्षा कल्प है व्याकरण आदि सब कुछ धनुर्विद्या आयुर्वेद सब वेदों से है, सब गुप्त रूप से है उसमें। इसमें परा एवं अपरा विद्या, अपरा विद्या से लोगों का बंधन होता है, अपरा विद्या से लोगों का मुक्ति होता है। शतो रजो तमो त्रैगुण्यमयी एवं जरो ब्रह्मांड संबंधी जो वेद ज्ञान है प्रिलिमिनरी विस्तारिणी माया लोगों को मोहों पे डाल देता है। वो जाग यज्ञ तपस्या आदि विभिन्न रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी में व्यस्त हो जाता है, भले यही सब कुछ है, इसका बाहर कुछ नहीं। जैसे शांतिपुर में श्री अद्वैत गोसाई का खिलाफ उल्टा स्मार्तो रघुनंदन, अद्वैत गोसाई का खिलाफ है स्मार्तो रघुनंदन, से अद्वैत गोसाई साक्षात महाविष्णु है, लोगों को मुंहों पे डालता है, लोगों के वो मुंहों पे डाल देता है, ठीक है चल। ये जो स्मार्तो रघुनंदन, इन्होंने ये जगत का कर्मकांडी भाव कर्मकांडी विचार को प्रकट किया है। श्री अद्वैत गोसाई का भी तीन चार लड़का
गोपाल और अच्युतानंद छोड़कर बाकी सब अद्वैत गोसाई उसको त्याग कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कर्मकांडों का मतलब है अमंगल। लेकिन कर्मकांड में लोग मंगल 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 बोलता है कि नहीं, शादी मंगल है, ये मंगल है, मंगलिक क्रिया है, वैदिक है। अब कोई सोसाइटी तो वैदिक स्लोगन लगा के रखता है, अब वो वेद का कुछ नहीं मानता, जानता भी नहीं, खाली वैदिक बोलते रहता है पागल, ऐसा ही है। तो स्मार्तो रघुनंदन का अनुगत्व में ये चार लड़का उधर चला गया। प्रभुपाद कहते थे कर्मकांडों का मतलब ही है, कर्मकांडों का मतलब ही है अमंगल, कर्मकांड में कोई मंगल है ही नहीं, कोई भी मंगल नहीं कर्मकांड में। अद्वैत गोसाई ने चार लड़काओं को त्याग दिया। जा ऐसे तो महाविष्णु सारे जगत तो उससे ही आता है, चाहे कुछ भी हो, सभी तो उन्हीं के चरण से आता है। तो फिर ये विचार बताया, शतो रजो तम रूप त्रैगुण्यमयी एवं जरो ब्रह्मांड संबंधी वेदोज्ञान विस्तारणीय माया, जो सब कोई को मोह में डाल देता है ये माया देवी। जिस भगवान का अपराशक्ति है, जिस भगवान का ये अपराशक्ति है जिसका बारे में अभी बताया, वही सत्ताश्रय रूप परसत्व, क्योंकि भगवान तो भगवान को सत्तो मूर्ति बोला नहीं जाएगा, भगवान को अगर सत्तो मूर्ति बोला जाए ये भी गलत है, क्योंकि भगवान तो सत्तरूपी मूर्ति नहीं, परसत्व मूर्ति, परम सत्व मूर्ति, सच्चिद आनंदमय। ये तो सत्व बोला जाए फिर भी कम है, अपमान है, सत्व मूर्ति बोलना सख्त माना है, उचित नहीं, ये तो पराशक्ति विशुद्ध सत्य माया ही जो शो जगदंड सतानिशूते त्रिगुण तद विषय वेद विताय माना सत्यावलंबी परसत्त विशुद्ध सत्यम गोविंदवादि पुरुषम तमाम भजामि। माया ही जोशो जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्यो तद विषय वेद वितायमाना सत्यावलंबी परसत्त विशुद्ध सत्यम गोविंदवादि पुरुषम तमाम भजामि। तात्पर्य क्या है, ठाकुर कह रहे हैं उत्पत्ति रजोगुण के द्वारा होता है, रजोगुण के काम ही है, रजोगुण के काम है उत्पत्ति, राजसिक काम। रजोगुण का काम उत्पत्ति, और उत्पत्ति होकर जो स्थिति है ये रजोमिश्रित सत्वगुण, विशुद्ध सत्व नहीं, जिसके द्वारा मेंटेनेंस होता है, उत्पत्ति या स्थिति होता है, और विनाश तमगुण के द्वारा होता है। मैंने ये बात को कई बार खुलासा किया, इस जगत में ऐसा कोई वस्तु व व्यक्ति नहीं है जिसका अंदर में सिर्फ ओनली सत्व है, ऐसा कोई व्यक्ति व वस्तु नहीं है, सब गुणों की सागर में डूबे हुए हैं। हाँ, हो सके जिसका अंदर में सत्वगुण प्रधान है उसका अंदर में रजोगुण है, तमोगुण कम है, रजोगुण भी है पर लेकिन कम है, सत्वगुण भी तमोगुण कम है, इसका नाम है सत्विक व्यक्ति।
इसी का नाम है इस जगत में सात्विक व्यक्ति। लेकिन वास्तविक विचार करके देखो तीनों गुणों का मिक्सचर है जगत में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे कवि है, लेखक है, कोई एक शुद्ध वैष्णव छोड़ के, एक शुद्ध वैष्णव छोड़ के कोई भी हो, कोई व्यक्ति व वस्तु, ये त्रिगुण का बाहर नहीं है। हो सके इस व्यक्ति का अंदर में सतगुण का प्रेडोमिनेटिंग फैक्टर, सतगुण ज्यादा है, ठीक है, रजोगुण कम है, तमगुण बहुत कम है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति और वस्तु नहीं है जगत में जो शुद्ध सत्व, जो एक शुद्ध वैष्णव हो सकता है। ये जगत का कोई भी व्यक्ति व वस्तु तीनों गुणों का मिक्सिंग है, मिक्सचर। जब ये तीनों गुण का बाहर जो सत्व है, अनटच्ड, टोटली अनटच्ड बाय इवन, टोटली अनटच्ड बाय इवन शतगुण, प्राकृत शतगुण जहां स्पर्श भी नहीं कर सकता, इसका नाम है विशुद्ध सत्व। आई बात समझ में? यही विशुद्ध सत्व स्वरूप है गोविंद, गोविंद भगवान, गोविंद अमिश्रुत सत्व। इसीलिए अमिश्रुत तत्व, अमिश्रित जो सत्व है, ये अप्राकृत जरूर है, अप्राकृत है, ये स्वीकार किया आपने, लेकिन विशुद्ध सत्व नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो चीज, जो व्यक्ति विशुद्ध सत्व है वो अप्राकृत होगा, इट हैज टू बी देयर, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, होगा ही होगा, इसके अलावा कोई होता ही नहीं कुछ। तो फिर अगर विशुद्ध सत्व है तो ये जरूर अप्राकृत है, एवं अप्राकृत मतलब इटर्नली प्रेजेंट, चिन्मय, नित्य वर्तमान, धर्म ही परसत्व, नित्य विराजमान धर्म ही परसत्व है, अप्राकृत चिन्मय आनंदमय सच्चित आनंदमय। और इसी परसत्व में जिसका स्थिति है, यही विशुद्ध सत्व अमायिक, माया जिसको टच नहीं कर सकता। अरे माया टच तो दूर की बात है, दूर से शरम के मारे पीछे झुकी हुई है, शरम के मारे, जिसका बारे में हमने कुछ ही देर पहले हमने बताया था, भक्ति योगेन मनुष्य सम्यक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम, हमने बताया ना, भक्ति योग विभावित नेत्रों में डुबकी लगाते हुए एकदम डूब गया वैष्णव जी, और उसके बाद अपश्यत देखे थे, अपश्यत अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष के देखा है, और इनके पीछे शर्म के मारे झुकी हुई, सर झुकाती हुई मायादेवी को देख लिया कौन, वैष्णव जी महाराज। तो भगवान का आमने सामने आने का भी हिम्मत नहीं है मायादेवी का। माया ही जशो जगदन्न सता निसूते त्रैगुण तद विषय वेद वितायमाना सत्यावलंबी पर सत्य विशुद्ध सत्यम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, यही है। इसके बाद थोड़ा बहुत समझ में आया ये विचार सुनने का बाद समझ में आया कुछ, पर सत्य विशुद्ध सत्यम, इनमें गोविंद का अवस्थिति है, विशुद्ध सत्व, अमायिक प्रपंचातीत निर्गुण
चिदानंदमय और माया ही इस जगत का माया ही जड़ जगत में समस्त विधिमय त्रिगुण विषय वेद का विस्तार किया है जीवों को मोह में डालने के लिए, जीवों को मोह में डालने के लिए। ये माया ही जड़ जगत का समस्त विधिमय त्रिगुण विषयक वेद विस्तार किया है। जब भी वेद है हमने बताया वेदों से ही सब आया हुआ है, पराविद्या अपराविद्या दोनों हैं। हम लोग को चाहिए पराविद्या अपराविद्या लेके क्या करें, तो फिर आगे चलकर 42 नंबर श्लोकों में बताया गया आनंद चिन्मय रसात्मोत्तया मनसु या प्राणीनाम प्रतिफलन स्मरताम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। क्या बताया, आनंद चिन्मयो रसात्मोत्तया मनसु यः प्राणीनाम प्रतिफलन स्मरताम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। क्या बताया, आनंद चिन्मयो रसात्मोत्तया मनसु यः प्राणीनाम प्रतिफलन स्मरताम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या माने हैं, क्या माने हैं, जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप में जो व्यक्ति जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप में स्मरणकारी प्राणियों गणों को मन में प्रतिफलित होकर निजो लीला चेष्टितो निजो लीला चेष्टा के द्वारा आनंदमय विलास के द्वारा निरंतर भुवन विजयी होके विराजमान है, जिसका नाम है अच्युतो, हु इज नेवर डिस्प्लेस फ्रॉम हिज ओन पोजिशन। अच्युतो माने न अच्युतो, लीला के द्वारा मंगलमय आनंदमय चिन्मय लीला विराजमान है, जो अपने लीला को मिठास के द्वारा बद्ध जीवों का हृदय का परिवर्तन कर सकता है। जो आनंद, जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप में स्मरणकारी प्राणियों का मन में प्रतिफलित होकर निजो लीला चेष्टितों के द्वारा निरंतर भवन विजयी होता है, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं, भजन करता हूं। प्राणी क्यों बोला, क्योंकि भक्ति ऐसा चीज है ना तो सिर्फ आदमियों में, जंतु जानवर में भी भक्ति होता है। हमने देखा रामायण देखो, हनुमान जी महाराज बाली सुग्रीव नौल नील सब है ना, भालू राज ये जो सब कोई का अंदर में, सब कोई का अंदर में। गिलारी जो है ये छोटा सा गिलारी, इसको भी भगवान ने कृपा किया, इन्होंने शत्रुबंधन में योगदान अपना योगदान करना चाह, लेकिन ये बेचारा क्या करे। लेकिन भावोग्राही जनार्दन श्री रामचंद्र जी ने इसका भाव को गौण किया। हनुमान जी कह रहे ये बेटा क्या कर रहा है, धोप बालू में लुटपुट करके फिर पानी में जाके छोड़ के आए फिर आए। बोले क्या कर रहे, बोले ये भी सेतु बंधन में सहयोग करना चाहता है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। भगवान ने सब कोई को स्वीकार किया, स्वीकार किया ना भावग्रही जनार्दन। तो जो आनंद चिन्मय रस स्वरूप में विराजमान होकर स्मरणकारी प्राणियों का अंदर में प्रतिफलित होकर निजो लीला चेष्टा के द्वारा निरंतर भुवन विजयी होता है, सब अपना अपराकित भूमिका में विराजमान रहता है,
वही आदि पुरुष को भजन करता हूं, जिसका बारे में हमने बताया आनंद चिन्मयो रसात्मोत्तया मनसु यह प्रणिनम प्रतिफलम स्मरतम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि जयति यजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये गया ठाकुर कह रहे हैं, जो लोग गुरु वैष्णव का सदुपदेश जो लोग सहजिया है उसका बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता हूं। ठाकुर का अनुगत्य मेरा कहना है, जो लोग सदुपदेश करने, सदुपदेश सद व्यक्ति दे सकता है, कपट सहजिया नहीं दे सकता है, लाभ पूजा भी दे प्रतिष्ठा का पीछे वो तो गलती बताएगा। तो पक्का सिद्धांत तो ये है, यो लोग गुरु वैष्णव का सदुपदेश क्रमे सदुपदेश को ग्रहण करके निरंतर उज्जवल रसगत कृष्ण का मनमत मूर्ति संबंधियों मनमत मूर्ति संबंधियों नाम रूप गुण लीला स्मरण करते रहते हैं, ये लोग है स्मरणकारी। ये लोगों का चित्त में धाम और लीलामय कृष्ण उदित होता है, यही उदित धामगत लीला जड़ जगत में सकल ऐश्वर्य माधुर्य को सर्वत रूप में पराजित करके अपना महिमा में विराजमान होता है, ये हर वक्त यही है। लेकिन हम लोग जो माया देवी का चक्कर में पराजित हो जाते हैं, ये हम लोगों का अंदर का कमी है। जड़ जगत में जो कामिनी कांचद भोग विलास आनंद इसमें पराजित होके खो जाते हैं, पराजित होके खो जाते हैं। लेकिन जबकि कहना था जो सदगुरु वैष्णव का मुखारविंद से पिघला हुआ उपदेश जो अमृत वो निरंतर उज्जवल रसगत कृष्ण का मनमतो श्री मूर्ति संबंधी नाम रूप गुण लीला स्मरण करते रहते हैं लोग, ये लोग का नाम स्मरण का। ये लोग का चित्त में धाम ओ लीलामय कृष्ण उदित होता है, और इसी उदित धामगत लीला जड़ जगत का तमाम जितना एंजॉयमेंट है ऐश्वर्य है जो कुछ भी है कामिनी कांचन लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसको फेंक कर इसको पराजित करके भगवान अपना माधुर्य के द्वारा सर्वदा भक्त हृदय में सर्वत रूप में विजयी होके रहता है, भगवान विजयी होके रहता है। भगवान विजयी होके रहता है तो क्या बताया, जो लोग गुरु वैष्णव जो लोग रसिक गुरु वैष्णव का उपदेश लेकर निरंतर उज्जवल रसगत हो, इसीलिए मैंने रसिक भक्त बताया जो रागानुग है रूपानुग, जो लोग रसिक भक्तों का सदुपदेश ग्रहण कर निरंतर उज्जवल रस अर्थात जो ब्रजभूमि के अंदर में विराजमान उज्जवल रस है रसगतो, कि उज्जवल रस किसी जगह मिलता ही नहीं तो ब्रजभूमि में, तो माने क्या हुआ, जो लोग रसिक जनों का साधुगुरु वैष्णव का सदुपदेश ग्रहण कर निरंतर उज्जवल रसगतो श्री कृष्ण का मनमथो मन को मंथन करने वाले मनमथो मूर्ति का संबंधित जो नाम रूप गुण लीला स्मरण करते रहते हैं, ये लोग का नाम है वास्तविक स्मरणकारी, बाकी लोग कपट है। इसलिए पोपा जी ने बताया
प्रतिष्ठारो तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैत्यव। क्या बताया प्रभुपाद? प्रतिष्ठारो तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैत्यव। ये चित्त में रूप गुण लीला स्मरण करते नहीं, ये लोग का नाम है वास्तविक साधु स्मरणकारी, स्मरण करते हैं। ये लोग का चित्त में धाम ओ लीलामय कृष्ण उदित होता है, होता है। यही उदित धामगत लीला जर जगत का जितना सारे कामिनी कांचन आनंद उत्सव है जड़ जगत में, ये सब ऐश्वर्य माधुर्य को हर हालत में पराजित करके अपने विजयी होके रहता है। आई बात समझ में? आनंद चिन्मयो रसात्मोत्तया मनसु यह प्राणिनाम प्रतिफलन स्मरतम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि यति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या होता है? आनंद चिन्मयो रसात्मोत्तया मनसु यह प्राणिनाम प्रतिफलन स्मरतम उपेत्तो लीलायितेन भुवनानि यति अजस्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यही है आनंदमय जगत का कथा। फिर इसके बाद क्योंकि समय जा रहा है ना, गौर पूर्णिमा भी आ गया, खत्म होने का तो कोई प्रसंग नहीं है, बहुत सारे हैं, फिर भी चेष्टा करें। जितना एनालिटिकल व्याख्या हो पाएगा उतना ही अच्छा है। खत्म किसको करे, ये तो हमारा नित्य सेवा है, ये खत्म करके क्या करे, ये तो नित्य सेवा है ना, चलते रहेगा। ऐसोरी छोड़ने का बाद भी यही सेवा है मेरा, वहां भी यही सेवा है। गोलको नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेशो हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बताया? गोलको नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका माने क्या? गोलको नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषम। तो क्या बताया? या बताया जो हमारा जिस जगत में हम लोग विराजमान हैं, जिस जगत में हम लोग विराजमान हैं, ये क्या है? ये तो देवी धाम है। तो देवी धाम इन इसके ऊपर में तदुपरी महेश धाम, ये महेश धाम के ऊपर हरिधाम एवं सर्वपुरी गोलोक नामा निज धाम, भगवान का निज, अर्थात वैकुंठ जगत से भी ऊपर है। यद्यपि इन जनरल अपरागिक जगत को वैकुंठ बोलने से कोई हर्जा नहीं है, फिर भी भेद है। इन जनरल से अपरागिक जगत ऑल है ना, वैकुंठ जगत जहाँ कुंठा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गोलोक और वैकुंठ में ये भेद है, ये सर्वोपरि कक्षा गोलोक सर्वोपरि गोलोक नामा निजो धाम। इसी धाम में वही प्रभाव सकल जिन्हें विधान करके रखे हुए हैं, जिनके विधान में व्यवस्थापित है, जिनके विधान के द्वारा ये व्यवस्थापित है, देवी धाम तदुपरी महेश धाम तदुपरी हरिधाम एवं सर्वोपरि गोलोक धाम निजो धाम, यही यो यो धाम में वही प्रभाव सकल जिनके द्वारा विहित होके विराजमान है, यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं। गोलको नामनी निजधामनी तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि गोलको नामनि निजधाम निचले तले चतस्यो देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया भीतस्य जेनो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ तो ये है ठाकुर का अनुगत्य में ये समझा जाए तो माने इसका माने है सबसे ऊपर सर्वपुरी अवस्थित गोलोक धाम है ये हर कोई जानता है। यहाँ तक कि हमारा ये जो 14 भवन इसमें बीच में देवी धाम है ऊपर में भूर भुव स्व महाजनो तपोसत्व नीचे में अतल वितल तलतल असतल पातल सब है ना नीचे सब कुछ है। ऐसे ही स्ट्रैटेजी है ऐसे तात्पर्य ये है इनके तात्पर्य ये है सबसे ऊपर गोलोक धाम है सबसे ऊपर गोलोक धाम है ब्रह्मा जी सबसे ऊपर ये गोलोक धाम को उपलक्ष्य करके ऊर्ध्व में लक्ष्य करके अपना अवस्थित भूमि से अवान्तर धाम जो है इस सबको बताया। पहले देवी धाम उस अर्थात जड़ जगत का ये धाम है जिसमें हम लोग विराजमान हैं इसमें सत्यलोक तक ये जो नीचे और ऊपर लेकर 14 भवन विराजमान हैं तदुपरी सबसे ऊपर शिव धाम जो बिरजा का उस पार है जिसका नाम है महाकालपुर धाम इसका एकांश में अंधकारमय है जो जहाँ कृष्ण अर्जुन को लेकर गया था जब अर्जुन आत्महत्या माने जब अर्जुन आग में छलांग लगाने का प्रतिज्ञा किया ब्राह्मणों का लड़का को रक्षा नहीं कर पाया याद है द्वारका का विषय है ये। तो महाकालपुर धाम इसको पार करके आनंदमय एक सदाशिव धाम आलोकमय तो ये धाम महाकालपुर धाम नाम में एकांश में अंधकार है उसी अंश को भेद करके कृष्ण अर्जुन को लेकर बलाहो आदि घोड़े के द्वारा परिचालित होकर वहां गया। महाकालपुर धाम जिस एकांश में अंधकार है इसी एक अंश अंधकार को काट कर फिर पहुंचे महाआलोकमय सदाशिव लोक। आर्य सदाशिव लोक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वैकुंठ धाम स्टिल ये वैकुंठ ही बोला जाएगा। इसके बाद हरिधाम अथवा वैकुंठमय सब जगत चित जगत वैकुंठ लोक देवी धाम का जो माया वैभव प्रभाव शिव धामेर काल दुर्बमय बोह प्रभाव तथा विभिन्न अंशगत सांश भावमय प्रभाव सब रहता समझा नहीं। कहने का मतलब है देवी धाम का माया वैभव रूप और सदाशिव जिन्हें सप्लाई किया निमित्त कारण उपादान कारण सदाशिव दिया है और निमित्त कारण में महाविष्णु का कि देखना शिव महाविष्णु का देवी का ओर देखना इसका नाम है निमित्त बाकी उपादान कारण और ये उपादान कारण अद्वैत गोसाई सदाशिव है। आज सदाशिव का लोक को हरिधाम चित जगत वैकुंठ देवी धाम का माया माया वैभव प्रभाव देवी धाम का माया वैभव का प्रभाव शिव धामों का काल उद्रव्यमय बृह प्रभाव जिसके द्वारा सृजन किया है इनग्रेडियंट तथा विभिन्न अंशगत स्वांश भावमय प्रभाव समझा नहीं। विभिन्न अंश अशांश दो भी काल ठीक है चलो काल हम व्याख्या करेंगे इसका ऊपर विभिन्न अंशों में जीव भी आता है और शंकर ब्रह्मा जो जीव तत्व है ये भी आता है
जब भगवान स्वयं शंकर मन के और ब्रह्मा मन, तब तो अलग बात है। इस बारे में हम काल चर्चा करेंगे, इस विषय आज जल्दीबाजी में हो नहीं पाएगा। यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, हमको क्षमा करे। जन्म हितुना दिघ्यो मेदि सुखम हितुच्छम कौंडय नेन करयरीव दुक्ष दुक्षम त्रिपंत नेहो कृपणा बहु दुक्ष भाज कौंडूति बदमनसीयम विषहेत धीरः वांछकल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमः।